हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कौस्तव दे, मेरा नाम है कौस्तव। तो आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, मतलब आप अपने कॉम्पाउंड मूवमेंट्स जैसे डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच में अपने स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज करोगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे वीडियोज़ रोज लेकर आता हूँ। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा, आप जाकर मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए और वीडियो में आगे देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कैसे करोगे, इसका पहला जो पॉइंट है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब धीरे धीरे लोड अपने एक्सरसाइज में बढ़ाना। आपके डेडलिफ्ट हो गया, या फिर स्क्वाट, या फिर बेंच प्रेस, या फिर कॉम्पाउंड मूवमेंट्स में आता है आपका बेंट ओवर रोइंग, इस सब में आप धीरे धीरे करके वेट लगाओगे। जैसे जैसे मेरा अभी बेंच में मेरा हाइस्ट जाता है 100 किलो। 100 किलो का मैं बेंच लगाता हूँ एक रेप, मतलब मेरा 100 किलो अगर मैं बेंच लगा रहा हूँ तो मेरा एक रेप आएगा। तो मैं नेक्स्ट हफ्ते ही 110 या फिर 105 ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक मेरा 100 में 100 किलोस में जब तक मेरा 4 से 5 रेप या फिर 6 रेप नहीं आ जाता, तब तक मेरा 110 ट्राई करना एक बहुत ही बैड डिसीजन है। क्योंकि मेरा 110 में तब मेरा फॉर्म गलत हो जाएगा, मेरा उठेगा नहीं, या फिर मेरा इंजरी भी हो सकता है। क्यों? आपके बॉडी में सिर्फ अभी 100 केजी से आप बेंच लगा पा रहे हो, 100 केजी 1 रेप, तो आप संग संग उस बॉडी आपका तैयार नहीं है नेक्स्ट वेट को 1 रेप लगाने के लिए। आपके बॉडी को तैयार करना पड़ेगा नेक्स्ट वेट के लिए। तो आप तैयार कैसे करोगे? आप तैयार ऐसे करोगे, आप 90 केजी से तब 4 to 5 रेप लगाने का कोशिश करोगे, या फिर 100 केजी से 2, 3 to 4 रेप्स 5 रेप्स आप लगाओगे। जब आपका 100 केजी से, जब मेरा 100 केजी से 4 to 5 रेप आ जाएगा, तब मैं लगाऊंगा 110 या फिर 120 में 110 115 ट्राई करूंगा तब मैं 1 रेप मैक्स। यहाँ पे 1 रेप मैक्स का मतलब क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग में 3 चीज़ होता है, एक 8 to 12 रेप रेंज जिसमें हम लोग मसल गेन करते हैं, एक 4 to 6 रेप रेंज जिसमें हम लोग स्ट्रेंथ गेन करते हैं, और हम लोग 1 रेप मैक्स तभी लगाते हैं जब अपना हाइस्ट चेक करना हो कि मैं कितना हाइस्ट एक वेट उठा सकता हूँ। तो जब स्ट्रेंथ का बात आता है तो हम लोग बात करेंगे 4 to 6 रेप रेंज में, क्योंकि 4 to 6 रेप रेंज में स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, और 8 to 12 रेप रेंज में आपका मसल मास, मतलब आप मसल इंक्रीज होता है। तो जब मैं अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड करूँगा, अगर मेरा बेंच 100 से लग रहा है तो मैं 100 से कोशिश करूँगा कि 4 से 6 का रेप रेंज आए। जब मेरा 4 से 6 का रेप रेंज आएगा तो ही मैं उसको इंक्रीज करके 110 करूँगा। जैसे मेरा डेडलिफ्ट है 180, तो मैं कल या फिर नेक्स्ट मेरा जब बैक का एक्सरसाइज होगा मैं उसमें 190 नहीं लगाऊंगा। जब तक मेरा 180 में 4 to 5 रेंज या फिर 170 में 6 to 7 रेंज नहीं आ जाता, तब तक मैं नेक्स्ट वेट इंक्रीज नहीं करूंगा। क्यों? इसमें इंक्रीज करने से फ़ायदा कुछ नहीं होगा, वेट उठेगा नहीं आपसे। अगर उठ भी गया तो फॉर्म बहुत गलत होगा, इंजरी का चांस बहुत हाई है, क्योंकि आपका बॉडी अभी तैयार है ही नहीं नेक्स्ट वेट के लिए। आपका बॉडी से सिर्फ 100 किलो या फिर 180 किलो ही उठ रहा है, वो भी 1 रेप मैक्स, मतलब उसके बाद आप कुछ और एक रेप लगा नहीं सकते कैसे भी करके। तो आपका बॉडी का वो मैक्स है, अगर उसके ऊपर आप वेट लगाओगे तो आपका इंजरी का चांस बहुत हाई हो जाता है। तो आप ट्राई करो, अगर आपका बेंच अभी जा रहा है 100 से या फिर 80 से या फिर 70 से, कुछ भी हो, मतलब आप अगर अभी 70 से लगा रहे हो बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में 8 to 12 रेंज, अगर आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है तो 1 महीने से 3 महीने आपका स्ट्रेंथ के लिए आप ट्रेनिंग करोगे। कैसे स्ट्रेंथ के लिए आप ट्रेनिंग कैसे करोगे? आप हर हफ्ते में आप पुश पुल लेग्स में ट्रेनिंग करो, मतलब चेस्ट 2 दिन, बैक 2 दिन, शोल्डर 2 दिन, आर्म्स 2 दिन, लेग्स 2 दिन। इससे क्या होगा, आपका हर एक पार्ट वीक में 2 बार ट्रेन हो जाएगा, और आप वीक में एक बार के लिए रखो, मतलब 2 बार अगर आपका एक पार्ट ट्रेनिंग हो रहा है, जैसे चेस्ट में अगर आप 2 बार ट्रेन कर रहे हो तो एक दिन के लिए रखो आपका स्ट्रेंथ, और एक दिन के लिए रखो आपका 8 to 12 रेप रेंज। मतलब एक दिन लगाओगे 4 to 6 रेप रेंज और एक दिन लगाओगे आप 8 to 12 रेप रेंज। इससे आपका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, साथ ही साथ आपका मसल मास भी इंक्रीज होगा।
जब आप 4 to 6 रेप रेंज लगाओगे तब आप अपना स्ट्रेंथ को चेक कर पाओगे कि आप कितना वेट लगा सकते हो, और जब आप अपना 8 to 12 लगाओगे तब आपका मसल मास भी इंक्रीज होगा। इस सब दोनों काम एक साथ कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है तो आप दोनों ही दिन 4 to 6 रेप रेंज में ही रहो, और एक हफ्ता छोड़ छोड़ के अपना 1 रेप मैक्स चेक करो, मतलब महीने में 4 हफ्ता। मतलब अगर आप पहला हफ्ता में बैक 2 दिन लगा रहे हो, ठीक है, पहले हफ्ते में अपना 1 रेप मैक्स चेक कर लिए, फिर पहला हफ्ता दोनों दिन ही आप 8 4 to 6 रेप रेंज आप किए। जैसे मैं अगर देखूँ, मैं पहले हफ्ता इस दिन भी 180 से अपना कोशिश किया कितना रेप ला सकूँ, इसमें भी कोशिश किया 175 से कितना रेप ला सकूँ, फिर मैं यहाँ पे वो कोशिश किया 175 180 से कितना दिन कितना रेप ला सकूँ अपने बैक में, फिर मैं इस हफ्ते के सेकेंड वाले दिन कोशिश करूँगा कि मैं 190 से 1 रेप निकाल पाता हूँ कि नहीं। ऐसे ही स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा आपका, ऐसे ही आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, नहीं तो आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होगा। आप अगर उल्टा सीधा या फिर ज़्यादा वेट लगा लोगे तो आपका इंजरी का चांस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। मेरा सेकेंड पॉइंट जो है डाइट। बहुत लोग प्री वर्कआउट जो मील होता है वो स्किप कर देते हैं। प्री वर्कआउट मील आपको वेट या फिर आपका जिम में जाके आपका स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। अब जब वहाँ पे जाकर आप जब मसल्स को ब्रेक डाउन करोगे तब आप जब वेट लगाओगे तब उसके लिए कुछ खाना होना ज़रूरी है। तो प्री वर्कआउट मील में आप अच्छे अमाउंट में कार्ब्स प्रोटीन फैट तीनों ही लीजिए। सिर्फ प्रोटीन पी के मत जाइए या फिर प्रोटीन खा के मत जाइए, और पोस्ट वर्कआउट मील में भी कार्ब्स और प्रोटीन दोनों लीजिए। मेरा थर्ड पॉइंट जो है वो है रेस्ट। रिकवरी इज द अल्टीमेट की। आप जब तक रिकवर नहीं करोगे अपने बॉडी को तब तक आप अपने बॉडी को मैक्स तक नहीं लेके जा सकते। मतलब अगर आप रिकवर नहीं हुए तो आप नेक्स्ट दिन ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर सकते। तो मिनिमम आप दिन में 8 से 9 घंटे का स्लीप लीजिए। उस सब का मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज होगा, जिससे आपको वेट ट्रेनिंग में बहुत हेल्प मिलेगा। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है तो मेरे को इंस्टाग्राम में DM कीजिए, और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।